Welcome boys and girls to MBBS online classes. हमने नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में. उसमें आपने देखा मीनिंग कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. ठीक, इससे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट. हम लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं कहते, हम कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या ड्यूटीज एंड वर्क है, ये देखिए. डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज, कोई भी संस्था का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका डिटरमिनेशन कौन करता है, उसका लेखा जोखा कौन करता है, उस ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी, टॉप लेवल मैनेजमेंट उस संस्था का जो प्लान है, पॉलिसीज है, वो बनाती है. लाइसेंसिंग टू आउटसाइड वर्ल्ड, उस संस्था के बाहर के जो व्यक्ति है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के जो व्यक्ति है, जैसे गवर्नमेंट के जो वो है अथॉरिटीज है, या अदर कंपनी के जो लोग हैं, या जिससे वो बिजनेस करना चाहते हैं, ट्राइज करना चाहते हैं देश के बाहर, देश के अंदर, तो लाइजनिंग के आउटसाइड वर्ल्ड की सब टॉप लेवल मैनेजमेंट. मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग वर्क और काम है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज, लाइजनिंग आउटसाइड वर्ल्ड, ये तीन काम जो है इट इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन लोअर लेवल, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेम किया गया है बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका सारांश क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताती है. ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज एट द डिपार्टमेंटल लेवल, जो डिपार्टमेंटल लेवल्स है वहां पे कार्य को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है. मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म द बेस्ट, आप मिडिल मैनेजमेंट का एक और बहुत अहम रोल है, वो ये है कि जो एम्प्लॉयज है उसको मोटिवेट करना कि वो अपना काम बखूबी निकले और बेस्ट आउटपुट दे. तो तीन यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल दिया शो किया गया, टॉप मिडिल लेवल. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी एट लोअर लेवल, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल लेवल, मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म बेस्ट, राइट. तो इस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल्स सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट. सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस, जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉय लेवल में जो लोग काम करते हैं उनके जो शिकायतें हैं, वो शिकायतें वो ऊपर लेवल पे पहुंचाते हैं, ये सुपरवाइजरी लेवल का काम है. गुड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छा खासा होना चाहिए, ये नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, नॉन वर्किंग बैड वर्किंग कंडीशन हो तो वहां पर काम नहीं हो सकता. बूस्टिंग मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के जो मोरल है वो उसको बूस्ट करने का काम भी सुपरवाइजरी लेवल करते हैं. तो तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहां देख रहे हैं, टॉप मिडिल एंड लोअर. लोअर को हम लोग कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब हम आगे आते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आइए, पहला पॉइंट है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग और लास्ट है कोऑर्डिनेटिंग. तो पहला पॉइंट हम देखे चलते हैं प्लानिंग. प्लानिंग मतलब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट है, वो निर्णय लेती है टॉप मैनेजमेंट. और ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है फर्स्ट फंक्शन एंड द बेसिस ऑफ ऑल फंक्शन. जितने भी फंक्शन नीचे दिया गया है उन सबका जो बेसिस है वो है प्लानिंग. प्लानिंग अगर नहीं हो तो ये चारों पांचों फंक्शन यूज कर बेसलेस हो जाते हैं. तो पहला फंक्शन है प्लानिंग. प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, असाइनिंग ड्यूटीज. ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि ऐसे कोई एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम सुदृढ़ वे में या इजी वे में चले. और असाइनिंग ड्यूटीज, एम्प्लॉयज को ड्यूटी असाइन करना, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, वो काम होता है ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट का.
स्टाफिंग, स्टाफिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये स्टाफिंग जो है आमतौर पे जो एचआर के एमबीए लोग होते हैं, एमबीए एचआर वो करते हैं स्टाफिंग का काम। तो स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज के जो इंस्ट्रक्शन जाती है, जो डायरेक्शन इशू होता है, जो मेमोज इशू होता है, जो लेटर्स इशू होते हैं, वो रिलेटिंग टू वर्क जॉब एट वर्क, वो डायरेक्टिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टिव वाला काम करते हैं। डायरेक्टिंग का क्या है, इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉइज कम्युनिकेटिंग, एम्प्लॉइज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन ये डायरेक्टिंग करते हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या करती है, एंश्योरिंग कंप्लीशन ऑफ वर्क एट टाइम। कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है वो एंश्योर ये करती है कि जो काम असाइन किया गया है, जो जॉब वर्क असाइन किया गया है, वो जॉब वर्क निर्धारित समय पर पूरा किया गया है कि नहीं, और जो उसमें खामियां हैं इस प्रोसेस में, उस खामियां को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना, ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का काम है। कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है, ये प्लान जो भी डिपार्टमेंट है, एचआर है, परचेज है, आपके सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करके, इंटीग्रेट करके उसका जो है काम कराती है। तो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन क्या है, एचआर परचेज एक्सेट्रा को इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, मतलब उनका जो ग्रुप एफर्ट्स है ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता, मतलब सामंजस्य बैठा के एक पूरे संस्था को एक कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स को करके इस फंक्शन मैनेजमेंट को वहां पर निर्धारित करते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये छह फंक्शन अगर है तो सुदृढ़ वे में एक बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट काम करती है, राइट। तो ये हो गया आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर समाप्त। आपको दिया गया है पीडीएफ, आपको दिया गया है पावर पॉइंट, आपको दिया गया क्वेश्चन आंसर, पूरा रेडीमेड क्वेश्चन आंसर आपको भेजा गया है, आप देखिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा और आगे के लिए मिलेंगे हम लोग बाद में। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय।